हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु लक्ष्मी प्रिया आपण मानक मु ओडिया चैनल को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, मु आज आपण मानक सहित छतुआ बा सरलाक रा रेसिपी शेयर करबि, जहा को छोटो टू बड़ पर्यंत समस्त खाई परबि। हे खाइबा को बहुत स्वादिष्ट एवं बहुत हेल्दी मध्य। जदि आपण को छुआर ओजन कम अछि त मु ई छतुआ रे जेउ सब जिंस ऐड करिछि, ए सब जिंस ऐड करके आपण माने मध्य थारे छतुआ बनायथु। देखिबे आपण को छुआर ओजन केते मात्रा रे ग्रोथ करिवो। मुठी छतुआ बनैबा पूर्वर चूड़ा को छाड़ी देले, बाकी सब जिनिस को भल से धोई कि फैन पवन रे भल से सुखै नै थिली। चलन तो एबे डेरी न करी छतुआ रेसिपी स्टार्ट करनेबा। प्रथमे गोटे कड़ई गरम करनेबा। कड़ई टी गरम हो गला परे मुठी 250 ग्राम अरुआ चावल यूज करी छी। आपण अरुआ चावल जगह रे उष्ण चावल मध्ये यूज करि परंती। एहा को मीडियम फ्लेम रे कलर चेंज हेबा पर्यंत फ्राई करनेबा। देखंतो एठी कलर चेंज हे गलाणी, त मुठी गोटे थाळी कि आको काढ़ी नेउची। एबे सेही कड़ाई रे 250 ग्राम चूड़ा मध्ये नेबा। चाउल एवं चूड़ार परिमाण सेम ही रखिबे। एहा को मध्ये कलर चेंज हेबा पर्यंत फ्राई करि नेबा। देखंतु चूड़ा एठी कलर चेंज हे गलाणी। हाथ रे एमती भांगिले त बहुत आराम रे भांगी जाउची, त माने एठी चूड़ा हे गलाणी। एकुटे थाळी के काढ़ी नेबा। एबे सेम प्रोसेस रे मोठी 150 ग्राम नेइची गहम। याकु भी कलर चेंज हेबा पर्यंत भाजी नेबा। देखंतु गहम हमर फुटीबा स्टार्ट हे गलाणी, कलर भी चेंज हे गलाणी। गहम को काढ़ी नेबा। एबे मु 100 ग्राम नेइची हरड़ डाली। एहाकु मध्ये कलर चेंज हेबा पर्यंत फ्राई करि नेबा। सबु गुड़ी का एमती कलर चेंज हेबा पर्यंत ही फ्राई करिबा। त मु आपनकु सर्ट रे देखि नेउची कोटी केते परिमाण रे आवश्यक, त आपन नोट करि नियंतु। मसूर डाली एथि 100 ग्राम मु नेइची। एहाकु कलर चेंज हेबा पर्यंत फ्राई करि नेबी। आपन चाहिले सबु डाली के एकाडी करि मध्ये फ्राई करि परंती। बुट डाली मध्ये 100 ग्राम नेइची एवं एहाकु मीडियम फ्लेम रे कलर चेंज हेबा पर्यंत फ्राई करि नेबी। मन रखंतु बिल्कुल भी हाई फ्लेम करिबे नहीं, कोनोसी जिंस फ्राई कला बळे लो टू मीडियम फ्लेम ही रखिबे। मु एथि देसी मुग डाली मध्ये 100 ग्राम नेइची। जदि आपण पाखरे देसी मुग नाही त आपण दुकान वाला मुग डाली आनी मध्ये ऐड करि परंती। एबे एथिरे गोटा बुट 100 ग्राम ऐड करिबी। एहाकु मध्ये कलर चेंज हेबा पर्यंत फ्राई करि नेबा। एबे इधरे मु 100 ग्राम सागु फ्राई करिबी। सागु छोटो टू बड़ पर्यंत समस्त बहुत ही बढ़िया पेट ठंडा रखिबो। तो सागु को कलर चेंज हेबा को जमार भी देबा नहीं, जेतेबेले सागुटी फुटीबा स्टार्ट हेबो तो सागु को काढ़ी नेबा। एबे मु 100 ग्राम बादाम को मध्य फ्राई करनेबी। लो टू मीडियम फ्लेम रे ही फ्राई करिबा, जमार भी बादाम को पोड़ीबा नहीं। देखंतु बादाम रो कलर चेंज हो गला, तो हाथ रे नेकी एमती कले चोपा छाड़ी जाउची, माने बादाम हो गला, तो यह को काढ़ी नेबा। एबे इथरे मु 50 ग्राम काजू को मध्य लो फ्लेम रे ही फ्राई करि नेबी। काजूटी बहुत जल्दी हो जाए थाए। देखंतु काजू रो कलर चेंज हो गला, तो यह को काढ़ी नेबा। एबे मु 50 ग्राम आलमंड को मध्य फ्राई करि नेबी। लो टू मीडियम फ्लेम रे कलर चेंज होबा पर्यंत आपण चाहिले काजू एवं आलमंड रो ड्राई फ्रूट पाउडर बने कि मध्य दे परंती, बहुत ही बढ़िया। देखंतु मु एटी सबु गुडी को भाजी नै छी एवं यहाकु भलरे ठंडा मध्य करि दै छी। गरम थिला बेले यहाकु बिल्कुल भी ग्राइंड करिबे नहीं। तो एबे गोटे मिक्सचर जार रे आपको आड करनेबा। देखंतु एटी मु ग्राइंडर जार रे सबु गुडी को आड करि नै छी। एटी फ्लेवर पई मु 4टी गुजराती आड करू छी। जदि आपनकु गुजराती रो फ्लेवर पसंद नो त आपन स्किप मध्य करि परंती। एवं 100 ग्राम चीनी मध्य आड करि छी। आपणको जेतिकी मीठा पसंद आपण सेही अनुसार चीनी रो परिमाण को कम बेसी मध्ये करि परिबे। चलंतु एहाकु कभर करके भल से ग्राइंड करि नेबा। देखंतु हमर छतुआ बा सेरलाक बनी कि रेडी गला। केते प्लेन बनी छी देखंतु। जदि आपणको छतुआ खदड़िया बनी छी त आपको आपण अट्टा चला सहायता रे चलेकी आउथरे ग्राइंड करि परंती। एहाकु एक एयर टाइट कंटेनर रे एमती स्टोर करके 2-3 मास मध्ये रखि परंती। जो दिन आपण व्यस्त थे मॉर्निंग रे ब्रेकफास्ट बनई नथिबे बा इवनिंग रे स्नैक्स बनई नथिबे, एमती गोटे ग्लास क्षीर नहीं कि 2-3 चम्मच छतुआ ऐड करके आपको भल से मिक्स कर दिंतु। बस रेडी गला आमर ब्रेकफास्ट आउ स्नैक्स। छोट झीकू सका सन्धार 2 थर ये छतुआ को खावा को दिंतु। यह मोटा कराइबार बहुत ही बढ़िया रेजल्ट दब। आउ जदि आपनकु मो रेसिपीटी भल लागिछि तबे मो चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करनिंतु, जहाँ फल कि मोर प्रतिटी वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन पाखे बहुत सहज रे पहुँची पारिबो। रहुछि फ्रेंड्स, बाय। पुणी देखा हबो आउ एक नुआ रेसिपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।